मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह यार आज मैं वॉक करने नहीं गई क्योंकि मैं लेट हो गई थी। फिर उसके बाद आपको पता ही, जब लेट हो जाओ तो मैं बंदा कहता कि सो जाओ बस, कंबल में रजाई ओढ़ो, कंबल ओढ़ो। फिर मैं गई नहीं। फिर अभी मैंने सारा घर का काम कुम कर लिया है, तो मैं अब नाश्ता तो मैंने कर लिया, पहले मैं लगाने जा रही बाल में। कुछ मैंने पैक बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए चलते। ये देखिए गाइस, ये मैंने पैक बनाया है और इसका मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लेना। और ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, जो हमारा बाल झड़ते हैं तो ये झड़ने से रुकेगा। और हैवी हो गया आपका लुक बाल का, मतलब जितना था उससे थोड़ी फल्फी फल्फी बाल लगेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पैक बनाया, मैं अभी लगाती हूँ अपने बालों में। तो जस्ट अभी ये मैंने देखिए, अब ये मैंने एलोवेरा जेल लिया है, फ्रेश एलोवेरा जेल। मैं अपने फेस पर लगाऊंगी, मैं काटती हूँ, काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना लंबा है, इतना नहीं लगाना, थोड़ी सी लगाना है, मैंने काट के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, मैंने एलोवेरा जेल ऐसे काट लिया है, ये देखिए। और जैसे लगता है नाक नहीं होता, ये देखिए लेस लेस तो वैसा हो गया है उस पर। कोई बात नहीं, ये होता ही है, ये देखिए। तो ऐसे करके आपने लगा लेना अपने फेस पर सारा। तो ये देखिए, और मेरे थोड़ी थोड़ी ये लगाने से मेरे पिंपल बैठ गए हैं गाइस। और ये देखिए, तो ऐसे करके अपने सारे फेस पर ऐसे लगाना है। आपको दिख रहा है ना मैं कैसे लगा रही हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से ऐसे लगा लेना, ठीक है, अच्छी तरह से एलोवेरा। ये आपके जैसे ड्राई स्किन हो जाता है ठंड में, तो ये आपका ना अच्छा रहेगा, स्मूथ होगा ना स्किन, तो खुश्क सी होती बहुत ज्यादा ना उस करके। ये देखिए, इसको लगा के छोड़ दो, ऐसे ही रख लो 24 घंटे, आपकी मर्जी। आप कहीं नहीं जा रहे हो तो ये पता ही नहीं लगता कि आपने जेल लगाया एलोवेरा जेल, तो नहीं तो 2 घंटे में वॉश कर दो थोड़ी मसाज करके 2 मिनट, ठीक है। तो चलिए मैं सारा फेस पर लगा लेती हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैंने लगा लिया एलोवेरा जेल, और इसमें मैंने थोड़ी सी हनी भी मिक्स कर लिया क्योंकि हनी लगाने से बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस, आप हल्दी भी लगा सकते हो, फ्रेश हल्दी, जो फ्रेश मतलब अपनी घर की हो, मतलब हल्दी हो, वो आप लगा सकते हो। मैंने हल्दी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे हल्दी सूट नहीं करता, तो इस करके मैंने जेल एलोवेरा जेल फ्रेश और मैंने हनी मिक्स करके थोड़ी देर मसाज कर लिया है, तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए फटाफट, अब ज्यादा बातें नहीं करते और मैं पैक लगा लेती हूँ बाल में, तो फिर आपको दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने बाल में सारा पैक लगा लिया है और मैंने ऐसे जूड़ा बना लिया, और मैं कैसी लग रही हूँ बहुत ही गंदी लग रही हूँ, शक्ल भी और बाल भी। और गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया हुआ, इसमें मैंने क्या क्या डाला हेयर का, तो आपने नहीं देखा तो मैं लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके जरूर देखना। और बहुत ही अच्छा है और बाल को मजबूत बनाता है, टूटता नहीं है यार, सबसे बेनिफिट ये है। मैं काफी सालों से लगा रही हूँ, मतलब मेरे बाल है तो हल्के है, मतलब झड़ते नहीं है, मतलब बहुत ही कम, मतलब हम रोज नहीं लगा सकते, तो हफ्ते में एक दिन तो हम लगा ही सकते हैं ना, तो बस लगाना है, मतलब हफ्ते में एक दिन लगाना ही लगाना है। ऐसे नहीं कि महीने में एक दिन लगाए तो बाल झड़ेंगे नहीं, ऑब्वियसली झड़ेंगे ना। तो बस ये देखिए लग रही हूँ ना भूतरी। मैंने बोला चलो आप मेरी फैमिली हो तो मैं बताऊं, ये देखिए मैं कैसे लगाती हूँ, मैं तो खुद ही अपने हाथों से है मल मुल के लगा लेती हूँ। तो चलिए, आपने 1 घंटा मैंने रखती हूँ, फिर उसके बाद वॉश कर दूंगी, फिर आपसे मिलूंगी। जैसे कि मैं इधर बालकनी में आई हूँ, हमारे उस साइड बालकनी में धूप बिल्कुल नहीं आता है, और मैंने वॉश कर लिया बाल, और मैंने सोचा कि नेचुरल से सुखाऊं, धूप से ट्रायल करने से बाल और ज़्यादा रफ हो जाते हैं, जो गर्म गर्म हीट लगती है ना, तो बस तो थोड़ी देर धूप में जाते हैं, तो बहुत ही कड़क धूप है, बहुत ज़्यादा ये होती है, और बाल जल्दी सूख जाएंगे, तो फिर अंदर चली जाऊँगी। और मौसम अच्छा है धूप सेकना, गर्मियों में तो बिल्कुल दिल्ली का तो बाहर निकलने का ठंडियों में दिल करता है, अच्छा लग रहा है बाहर आके ना। तो ये देखिए, तो चलिए मैं थोड़ी देर धूप सेक लूँ, फिर मैं जाऊँगी घर। जैसे कि मैं धूप सेक के आ गई और मेरे बाल सूख गए, और ये देखिए कितने हैवी हैवी लुक लग रहे हैं, और कितना अच्छा लुक लग रहा है। और बस, और जो मैंने हनी और मैंने क्या कहते हैं एलोवेरा जेल लगाया था, उससे भी मेरा फेस ग्लो कर रहा है, तो बस पिंपल्स तो है, होली होली पिंपल्स जाएंगे, जो हुआ है तो सही होने में टाइम लगता ही है। तो बस मैं थोड़ी देर ब्लैक टी बनाती हूँ, मैं पीती हूँ, फिर ऐसे दिन निकल जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं ना, नेचुरल से बाल सुखाओ ना धूप से, अच्छा लगता है। ड्राई ज्यादा करो, बाल और डैमेज हो जाते हैं। अभी आगे मेरे बाल
डैमेज ही है समझ लो। अभी देखो कितने ज्यादा लग रहे, इतने बाल मेरे ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं आंटी के घर, और देखते हैं वहां से मार्केट जाओ है तो हम मार्केट भी जाएंगे। कुणाल इधर देखो क्या कर रहा है, ये देखे इधर दिखाती हूँ टीवी देखते देखते, ये देखे जा कर रहा है ये लड़का, रेडी नहीं हो रहा फटाफट। मैंने बोला रेडी हो चलते हैं फटाफट, ना लेट हो जाएंगे फिर, टाइम तो आपको पता ही है बहुत जल्दी अंधेरा होने लग पड़ता है ना इस करके, तो चलिए चलते हैं। ये जैसे कि गाइस लिफ्ट में और अब हम जा रहे हैं फटाफट, तो कुणाल जीप को बंद कर रहा है जैकेट क्योंकि हवा लगती है ना जी, आज काफी तो बस अब नीचे आगे चलिए चलते हैं साथ साथ में। तो चलिए अब अच्छा लग रहा है, अब कुणाल करेगा अपना एक्टिवा साफ, तो फटाफट चलते हैं है ना जी गाइस, चलिए चलते। इतनी लंबी मैं भी होती फिर तो मैंने बनना था कटरीना कैफ मॉडल बनना था मॉडलिंग करना था गाइस। कहाँ है एक्टिव है तुम्हारा? ये रही। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जैसे कि हम आंटी के घर आ गए हैं और दरवाजा खोलते पीछे साफ कर रहा है ये देखो, तो चलिए चलते चुपचाप उनको बोलते ऊपर चलते हैं ठीक है ना। तो चलिए गाइस आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, मैं चलती हूँ ऊपर फटाफट। गाइस जैसे कि मैं आ गई हूँ टेरेस पर, ये आपको दिख रहा होगा और धूप सेक रहे हैं यहाँ पर सारे मीठे मीठे धूप, विटामिन डी ले रहे हैं सारे जने, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो चलिए थोड़ी देर बैठते फिर देखते हैं कहाँ जाना है ना। ये देखिए कुणाल पाजी लंबू जी लंबू जी। जैसे कि हम आंटी के घर से निकल आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं मार्केट और मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा और ठंड भी लग रही है, और कुणाल इधर है ये देखिए, और चलते हैं मार्केट देखते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं क्या है, तो बस चलते जाते हैं ये देखिए भीड़ भड़ाता। भाई जैसे कि हम मार्केट तो अंदर आ गए और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा क्योंकि बंद हो गए शॉप, तो देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं। कुणाल तो पीछे पीछे ये देखिए, तो चलिए अब चलते हैं क्या लेना देखते हैं। भाई जैसे कि अब हम घर जा रहे हैं और कुछ खा के जाएंगे, यहाँ से तो हमने कुछ नहीं लेके आए क्योंकि पसंद भी नहीं आया और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और लोग बात भी कर रहे थे, तो यहाँ जाना है इधर देखिए और मैं पीछे खाली है कुछ भी नहीं इसमें। तो चलिए कुछ खाते फिर आपको लेके चलते जाके जो भी खाना है ठीक है ना। ये गाइस देखिए नूडल, और हम जब भी यहाँ पर आते हैं यहाँ पर फेवरेट नूडल्स है और यहाँ पर आके हम खाते हैं। कुणाल का इधर है देखो, ये कुणाल खाएगा ये मैं निपटाऊंगी। चीज जैसे कि हम घर आ गए और ऐसा हुआ कि मार्केट में से कुछ नहीं लिया, आंटी के घर से बहुत लेट निकले, बातें करते रहे, चाय वगैरह पिया और बंद होने लगी थी मार्केट, फिर कुछ पसंद भी नहीं आता, अंधेरा अंधेरा था, फिर मैंने बोला बाद में जाएंगे फिर किसी दिन जाएंगे, आपको पता है लेडीज़ को तो खुला टाइम चाहिए जो है तसली से ले, नहीं तो नहीं। तो बस नूडल्स वगैरह खा लिया, फिर उसके बाद आपको पता ये घर आ गए क्योंकि बाहर इतनी ठंडी है ना, कान ठर गए मुझे इतना ठंड लग रहा था। तो चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलूँगी। जैसे कि मैंने अपना दूध गर्म कर लिया है ये देखिए, और मैंने डिनर किया नहीं क्योंकि इतना नूडल्स खा के आई थी तो खाना खाने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा था, फिर फटाफट हल्दी डाल के दूध पीने लगी हूँ। ये देखिए हल्दी वाला दूध बहुत ही अच्छा होता है, हल्दी वाला दूध और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं तो पीती हूँ गर्मी हो ठंड हो हल्दी वाला दूध पीना ही पीना है। तो बस फटाफट दूध पी के सोने की तैयारी करते हैं, बच्चों ने सब ने दूध ले गए अपने अपने रूम पर और मैं किचन पर थी, मैंने बोला मेरा यहीं रखो मैं थोड़ी साफ़ सफाई करके आती हूँ। तो बस तो गुड नाइट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बाय बाय।